आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, तो हमारा प्रश्न क्या कह रहे हैं, मृदा की प्रकृति किस पर निर्भर करती है? तो आप जानते हैं कि मृदा क्या कहलाता है ना, तो मृदा जो है, अगर इसकी प्रकृति की बात कही जाए तो इसके जो भौतिक गुण है, मिट्टी के जो मृदा के भौतिक प्रकृति की बात की जाए तो ये किस पर निर्भर करती है? यह संरचना पर है ना, और किस पर? जलवायु पर है ना, और मिट्टी में स्थित ऊष्मा पर है ना, एवं उसमें उपस्थित खनिज पदार्थों पर है ना, और किस पर निर्भर करती है, और उसमें उपजाऊ पन पर निर्भर करती है। ठीक है, अगर इन घटकों से अगर हम मिला के देखें तो मिट्टी का जो आकार होता है, मिट्टी का आकार है ना, प्रकृति क्या हो जाती है, भिन्न भिन्न हो जाती है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग हो जाती है। ठीक है, तो कई प्रकार के छोटे छोटे जो इनके अति सूक्ष्म आकार के भी कण वाले हमें मृदा मिलते हैं, और बड़े आकार वाले कण के भी मृदा मिलते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ अगर हम कहें कि मिट्टी जो होती है वो कई जो मिट्टी जो होती है पौधे और जीव जंतुओं के अवशेषों से बनी होती है। मिट्टी जो होती है वो क्या होती है, मिट्टी पेड़ पौधे और किसके, जीव जंतुओं के, जीव जंतुओं के अवशेषों से बनी होती है। ठीक है, तो लगातार ये क्या होता है कि इनके पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के और मिट्टियों के बीच में क्या होता है, परस्पर क्रियाएं होती रहती हैं, और उन्हीं का परिणाम स्वरूप होता है यह मृदा है ना। इसमें प्रत्येक घटक क्षेत्र विशेष के अनुरूप ये बदलता रहता है। ठीक है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे हम क्या देखते हैं कि मृदा में भिन्नता पाई जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी प्रकृति भिन्न भिन्न होती है, और इनकी प्रकृति किन पर निर्भर करती है, संरचना पर, जलवायु पर, मिट्टी में उपस्थित ऊष्मा एवं खनिज पदार्थों पर, और उसके उपजाऊपन पर भी यह निर्भर करती है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।